हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू और आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिविटी विद फन इन डेली लाइफ्स में। फ्रेंड्स, आज हमारे स्कूल में हो रही है पिकनिक और यहां हम सभी टीचर्स मिलके पिकनिक मना रहे हैं। हालांकि ये मंथ तो मार्च का है, लेकिन सेशन एंड हो रहा है हमारा। अब सारे बच्चे नए क्लास में जाएंगे, इसी खुशी में हम पिकनिक मना रहे हैं। और ये पिकनिक हम हमारे स्कूल में ही एक क्लास में, नर्सरी क्लास है, उसी में मना रहे हैं। वेज और नॉन वेज दोनों बन रहा है, तो सभी प्याज काट रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं और बाहर भी डांस चल रहा है। हम लोग इधर काम कर रहे हैं, कुछ एक टीचर बाहर डांस। और यहाँ हमारे नकुल सर चाय बना रहे हैं, चाय बनाने में हेल्प कर रहे थे और भी टीचर्स बना रहे थे। और यहाँ अंदर भी म्यूजिक पे थिरकते हुए सभी चाय पी रहे थे, डांस कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो हम लोग भी थोड़ा सा बाहर से घूम के आने के बाद, थोड़ा सा डांस करने के बाद भी किचन में आके काम कर रहे थे। और यहाँ अरूप सर बता रहे हैं कि हाँ, कैसे प्याज काटा जाता है बिल्कुल बारीकी से। मतलब सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, एक दूसरे को गाइड कर रहे थे। ठीक है, वीडियो में प्रूफ दे रहे हैं सर कि मैंने इतना प्याज काटा है। और यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैम भी देखने आई थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। तो हमने उनको बोला कि हमारे साथ भी आकर एक वीडियो में थोड़ी सी शामिल हो जाइए। फिर उन्होंने भी थोड़ा सा प्याज काटने का एक्टिंग किया, मतलब उन्होंने भी हेल्प की। और यहाँ दाल बनने के लिए दाल को भिगोया गया है और मिक्स वेज मैम बना रही हैं, साथ ही बैगन का पकौड़ा, चावल, दाल, पनीर, ये वेज आइटम है। और नॉन वेज में फिश और चिकन है, तो पहले वेज आइटम बन जाएगा फिर नॉन वेज बनेगा। और यहाँ खाना बनाते बनाते डांस भी किया जा रहा था, हमारी एक बाइटो है वो डांस कर रही थी, और भी सीखा मैम वो भी डांस करने लगी हैं। तो हम लोग खाना भी बना रहे थे, डांस भी कर रहे थे। और यहाँ हमारा मिक्स वेज बन रहा है और हमारे मास्टर शेफ्स हैं इधर इतने सारे। मुझे तो डांस आता नहीं है,
लेकिन यहाँ सभी डांस कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा डांस कर रही थी, सभी के साथ एंजॉय कर रही थी। और यहाँ फिर मैंने बच्चों के साथ कैरम भी खेला, बहुत मज़ा आया। बच्चे पहले से खेल रहे थे तो उसमें मैं भी शामिल हो गई थी, और फिर धीरे धीरे और भी टीचर्स आ गए थे तो हम सभी ने मिलकर कैरम खेला, फिर से अपना बचपन जिया। और यहाँ सारे वेज आइटम्स बन चुके थे, अब चिकन बन रहा था तो आलू फ्राई होके निकल चुका है, अब मैम लोग चिकन बना रही हैं। और बाहर अभी भी डांस चल रहा था, सभी मिल के डांस कर रहे थे। और ये उर्वशी मैम, रिंकी मैम, ये लोग कमाल का डांस करती हैं। गौरी मैम वो भी बहुत ही प्यारा से डांस करती है, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। और यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर का परफॉर्मेंस चल रहा है। पहले वो थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन बाद में सभी उनकी हेल्प करने लगे तो वो भी अच्छे से डांस करने लगे। बहुत ही अच्छा हमने इंजॉय किया, सभी ने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे पुराने गानों पे डांस चल रहा था, खई के पान बनारस वाला, उस पे और अरूप सर, काकुली मैम और उर्वशी मैम और भी कुछ टीचर्स सभी मिलके डांस कर रहे थे, कमाल का डांस कर रहे थे। कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूजिक हटाना पड़ रहा है, लेकिन कमाल का डांस हो रहा था। अभी ये स्टेप चल रहे हैं, अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया भाई, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया भाई, है ना। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था इन लोगों की एक्टिंग देख के, डांस देख के, कमाल का डांस था। और यहाँ उर्वशी मैम और गौरी मैम, मैं मायके चली जाऊँगी तुम देखते रहियो, उस पर डांस कर रही थी, कमाल का डांस कर रही थी। एक मतलब हस्बैंड वाइफ का इन लोगों ने कैरेक्टर प्ले किया था, और उर्वशी मैम का तो जो एक्टिंग है ना, कमाल का है। और गौरी मैम भी इतने अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, बिल्कुल एकदम जैसा होता है ना, बिना किसी प्रैक्टिस के इतनी अच्छी इन लोग ने। और यहाँ सारा खाना बन चुका है, अब हम लोग बैगन फ्राई कर रहे हैं, बैगनी जो बोलते हैं, बैगन का पकोड़ा, मैं वो बना रही थी, सारे टीचर्स मिलके हेल्प कर रहे थे। और बाहर अब खाने का अरेंजमेंट हो रहा है, सभी को खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा था। और फिर यहाँ सभी टीचर्स मिलके बैठे हैं खाना खाने के लिए, प्रिंसिपल मैम के साथ बैठी हूँ, लेकिन मैं खुद का सूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ हमारी मैम सर सब लोग मिलके सर्व कर रहे हैं खाना सभी को। और कुछ ऐसे हमारी पिकनिक ख़त्म हो जाती है, हम सभी ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, आई होप कि आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।